और पुलिस की सक्रियता के चलते अग्निवीर भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले दो छात्र भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर 5,000 का इनाम भी जनपद पुलिस के द्वारा घोषित किया गया था। आरोपी दीपक कुमार और प्रवीण कुमार को कोटद्वार के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों भाई आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन कई बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके सिलेक्ट होने की योजना बनाई। आरोपियों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर भर्ती होना चाहा, जिसके लिए सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके जनसेवा केंद्र पर दस्तावेजों को अपलोड करने का भी काम किया। वहीं जनपद पौड़ी पुलिस की सक्रियता से इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त माह में लेखपाल जो कोटद्वार हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई थी कि दो व्यक्तियों द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाया गया और इस स्थायी निवास प्रमाण पत्र को उनके द्वारा अग्निवीर भर्ती परीक्षा में उसका इस्तेमाल भी किया गया। चूंकि मामला गंभीर था अतः तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स भी बनाई गई जिनके द्वारा लगातार बागपत व आसपास के इलाकों में दबिश भी दी गई। दोनों अभियुक्त लगातार फरार चल रहे थे और इनके ऊपर फिर 5,000 की इनाम की धनराशि की घोषणा भी की गई।